विद्यार्थी के जीवन में काम नहीं होना चाहिए। काम अर्थात कामनाएं, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाएं। जो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के भोजन करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। और उसने दोनों हाथ जोड़ के राम राम बोलो, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। एक तो ब्रह्म स्नान होता है, उठे तो आत्मा परमात्मा का चिंतन किया, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अविनाशी अंश हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नचा सोत्र जिभे नचा ग्राण नेत्रे नमे पंच वायु नमे पंच कोशा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। गुरुबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिटे न भेद, गुरुबिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। आचार्य चाणक कुछ बातें बताते हैं बच्चों के लिए, ध्यान से सुनना। पहली बात तो विद्यार्थी के जीवन में काम नहीं होना चाहिए। काम अर्थात कामनाएं, इच्छा। अभी कामना छोटे से हो लेकिन पापा मोबाइल दिला दो है? मैंने कहा ना कि मौन रखना भूल गए और फोन रखना शुरू कर दिया। करना था कराग्रे बस्ते लक्ष्मी करमद्दे सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन कराग्रे बस्ते मोबाइलम करमद्दे व्हाट्सअपम करमूले तू फेसबुकम प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। तो कामनाएं नहीं, ये चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। विद्यार्थी के जीवन में गलत इच्छाएं और गलत कामनाएं नहीं आना चाहिए। गलत इच्छाएं कामनाएं आए तो उसे विचारों से विचारों को काट देना चाहिए। क्रोध विद्यार्थी के जीवन में दूसरा दोष क्या है? क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, लोभ नहीं करना चाहिए। चौथी बात, स्वाद लोलुपता, ये खाओ वो खाओ ये खाओ नहीं। स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाएं। जो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के भोजन करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। और स्वाद के चक्कर में छटकारे लेने के लिए कभी ये खाया वो खाया ना। बहुश्रृंगार, विद्यार्थी चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो, बहुश्रृंगार पढ़ने वाले बच्चों का सादा जीवन कहते ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लेकिन हो गया उल्टा आजकल। दिखावा इतना हाई लिविंग और थिंकिंग इतनी नीचे हो गई है, सिंपल थिंकिंग हो गई है। होना ये चाहिए था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो अति श्रृंगार नहीं, श्रृंगार करने से कोई सुंदर दिखता ऐसी बात नहीं है। मीरा कहती लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। मीरा कौन से ब्यूटी पार्लर गई थी? गई थी क्या ब्यूटी पार्लर में जाना, आर्टिफिशियल मेकअप करना? भगवान की भक्ति में ऐसी लाली निखरती है ना। मीरा कहती लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, मैं हो गई खुशहाल, मैं हो गई निहाल। तो मीरा ने कौन सा आर्टिफिशियल मेकअप किया था? दिखावे के लिए। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपना पहनावा, अपना खान पान, अपनी बोलचाल। राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? हिंदी है वतन, हिंदुस्तान हमारा। तो राष्ट्रभाषा का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करे? अंग्रेजी का भूत सवार है, जहां दोनों हाथ जोड़ के बोलने चाहिए राम राम जय श्री कृष्णा, वहां बोलते हाय, अरे हाय बाय छोड़ो, ना किसी की हाय लो ना किसी को हाय। राजनांदगांव के पास में कोई गांव था, उन्होंने सोचा कि चलो हम जो है गांव में नहीं पढ़ेंगे शहर में पढ़ेंगे, मुंबई चले गए पढ़ने के लिए। अंग्रेजी का भूत सवार था, तीन दोस्त थे, पढ़ने के लिए गए। आजकल पढ़ाई क्या है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? बोले रट्टा एप्लीकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन। तो वो भी रट के आ गए, एक एक शब्द रख लिए हर बात में, एक करता हाँ ओ यस 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 यस,
पहले ने रट लिया क्या? यस 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 यस। और दूसरा बार बार बात बात में बोलता था वी आर थ्री वी आर थ्री वी आर थ्री। तीसरा बात बात में बोलता था डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। एक तो भी छुट्टियों में गांव आए थे, गांव में हो गई चोरी, तो गांव वाले भोले भाले बेचारे ज़्यादा शहर वालों से सिंपल रहते हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते। हाँ आजकल थोड़ा नकल जरूर करने लगे, शहर वाले कोल्ड ड्रिंक्स पीते तो हम भी पिए। अरे भैया वो छोड़ चुके हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, कोका कोला में है क्या? कोका कोला की बोतल लेना और एक उसमें मिंट जो आती है ना टॉफी, हाँ वो डाल देना जरा, फिर देखना ऐसा फुवारा फूटेगा ना, फाड़ देगा उसको। और कोका कोला को जरा थोड़ा सा गर्म करना, फिर देखना कोयला, कोयला होता ना कार्बन, कार्बन ही है कोक, वो पी रहे हैं बड़े आराम से। नींबू शरबत पियो, छाछ पियो, सिकंजी पियो, रात्रि को दूध पियो, ये फालतू की स्वास्थ्य को बिगाड़ना। देखो ना ये छोटे छोटे बच्चे, कई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो आलटी पालटी मार के नहीं बैठ सकते, तो वो बार बार टांग को सीधी करते हैं ऐसी। देखो उम्र है 10 साल की, लेकिन बुढ़ापा आ गया 10 साल में, शरीर में ताकत नहीं है। हमारे इधर एक आश्रम के पास एक कॉलोनी है, सैनिक कॉलोनी, तो वहाँ कोई दुधुआ दूध देने आता था, तो वो गांव गया 2-3 दिन के लिए, तो उसने कहा दूसरे भाई को बोला कि भाई दूध दे देना, ये घर है, उसने बता के चला गया। वो दूसरे दिन दूध देने गया तो दूध पिया, बच्चों ने इधर उधर पेट खराब हो गया, तो घर वाले चिल्लाने लगे कि बोले तुमने दूध में पानी मिला दिया, वो दूध सही देता था, तुमने दूध गड़बड़ दिया। अब वो व्यक्ति ने उसको फ़ोन मिलाया, भाई वो तो चिल्ला रहे दूध गड़बड़ दिया, बोले भाई जल्दबाजी में मैं तुझे भूलना भूल गया, तूने दूध में पानी मिलाया था कि नहीं? बोले नहीं। अरे भाई यही तो गड़बड़ कर दी, क्योंकि पेवर दूध पचता ही नहीं है। अभी बच्चों को 1 लीटर दूध पिला दो, दोपहर को बोलो भोजन, बोले भूख नहीं है, 2 चम्मच घी डाल दो जरा। पहले के लोग 2-2, 3-3 लीटर दूध पी जाते थे, घी खा जाते थे 250-300 ग्राम। ना घी खाने को मिल रहा है, ना दूध पीने को मिल रहा है, बस चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, हाँ वो बाहर का अटरम सटरम चिप्स ये खाएंगे, और स्वास्थ्य देखो तो सारा का सारा कबाड़ा। फ्रिज का पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, फिर जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा, गंदे गंदे मूवी देखना है, टीवी देखना है, तो कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है संस्कृति, कहाँ जा रही है? इधर किसी का ध्यान नहीं है। बोले विकास हो रहा है देश में, विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। विकास तो संतों से होता है, जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल, जहाँ जहाँ विचरण करे होवे देश निहाल। यहाँ अगर बापू जी ना आते तो हम भी ना बैठे होते यहाँ, ना ये आश्रम बना होता, बना होता, आप हम यहाँ बैठे होते, आपको हमको सबको जोड़ने वाले बापू जी है। तो वो तीनों ने एक एक शब्द रट ली, गांव में हो गई चोरी, तो गांव वालों ने कहा बुला के लाओ उन तीनों छोरों को, पढ़े लिखे वही हैं, शहर से आए पढ़ के, वही बात करेंगे पुलिस वालों से, अपन तक अपना तो कभी पाला पढ़ा ही नहीं। तो गांव वाले उन तीनों छोरों को पकड़ के ला रहे थे, तो जैसे जैसे पास आ रहे थे, पुलिस वालों ने सोचा लगता चोर पकड़े गए, तभी गांव वाले इनको पकड़ के ला रहे। जैसे ही पास में आए, पुलिस ने कड़क के बोला, पहले से पूछा चोरी तुमने करी है? यस 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 यस। आदत थी ना उसकी। अच्छा पुलिस फिर बोली तो भाई कौन कौन थे? ओ BR3 हम तीनों थे। पुलिस बोली कि फिर चलो भाई थाने में ले चलो इनको। तीसरा बोला डोंट वरी। जब लेके जाने लगे बोले कहाँ? बोले थाने में। और कहाँ? बोले क्यों? बोले हमने चोरी, हमने ऐसा कब कहा हमने चोरी की, तूने तो बोला यस। वो साहब हमने रट लिया है। तो ये रट्टा छाप क्वालिफिकेशन से वास्तविक उन्नति नहीं होती, होती है क्या? बापूजी बोलते हैं कि हम तो 3री क्लास पढ़े, लेकिन डिलीट किए हुए बापूजी के शिष्य थे, हैं अभी। तो वास्तविक जो विद्या है ना, विद्या 3 प्रकार की होती है। एक होती लौकिक विद्या जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, वो बापूजी बोलते हैं उसको पेट पालने वाली विद्या है। अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस करोगे, मकान दुकान पैसा प्रॉपर्टी बना लोगे, लेकिन सब छूट जाएगा। उससे ऊंची विद्या है योग विद्या, जो हनुमान जी के पास है ना।
हनुमान जी के पास क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के अश्वर दीन जानकी राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपति के। तो वो सदा सदा रघुपति के दास क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधियाँ तो है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान जो राम जी के पास है, और राम जी के पास वो ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी के कारण है। तो जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। पानी के बिना नदी, बोलते जाओ, पानी के बिना नदी क्या है? तो जो है वो बोलो ना, पानी के बिना नदी, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी, जेब में पर्स है लेकिन पर्स में 10 रुपए भी नहीं है तो बिना पैसे के पर्स भी, उसी प्रकार मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में सब कुछ है लेकिन सत्संग नहीं है और सदगुरु का संग नहीं है तो मनुष्य जीवन भी। घर में डायमंड सेट है, सोफा सेट है, म्यूजिक सेट है, एसी कार, एसी फ्लैट है, इतने सारे सेट होते हुए भी माइंड सबका, तो माइंड सेट होता है सत्संग से, ध्यान से, सुमरन से, जप से। तो अति श्रृंगार, बहु श्रृंगार से बचना चाहिए। एक लड़की श्रृंगार करके पार्टी में पहुंच गई, बाल देखो तो बॉय कट, कपड़े देखो तो लड़कों की तरह। तो पड़ोस में एक भाई साहब ने कहा, देखो क्या जमाना आ गया है, कैसा तो पहनावा है, कैसे तो हेयर कटिंग, देखा तुमने कभी ऐसे झोपड़ी छाप, वो बाल इधर से काट दिया, इधर से काट दी, थोड़े से बचा के रख लिए, तरह तरह के स्टाइल, क्या स्टाइल है, क्या पहनावा है। बोले भाई साहब देखो उस लड़के को, कैसा उसने वस्त्र पहने हैं और कैसे उसने हेयर स्टाइल रखा है। बोले आप थोड़ा सोच समझ के बोलो, आपको शर्म आनी चाहिए। बोले मतलब? बोले आप जिस लड़के की बात कर रहे हैं, पहली बात तो वो लड़का नहीं, मेरी लड़की है। अरे भाई साहब क्षमा करना, मेरी गलती हो गई, उसका पहनावा ऐसा। बोले एक गलती तो मेरी लड़की को लड़का बोल के कर रहे हो और दूसरी गलती मुझे भाई साहब बोल करके कर रहे हो। मैं कोई भाई साहब नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। तो ऐसे वस्त्र पहने जो हमारे मौसम के अनुरूप हो। भारतीय संस्कृति है हमारी, उस संस्कृति में हमारा पहनावा है। ये जीन्स, मोटे मोटे जीन्स पहन रहे हैं, हवा भी नहीं जाती है, पहनते समय भी ऐसे खींचो, उतारते समय भी खींचो, तभी तो इतने तरह तरह के रोग और बीमारी और स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। विदेशों में अब शेक हैंड करना बंद हो गया है, गले मिलना बंद हो गया है। वहाँ देखा ना तुम, गले मिलते हैं, चूमा चाटी करते हैं, अंग्रेजों को देखा ना तुम। मैं जब 16-17 साल का था तो मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उधर थोड़ा गया था, आश्रम में नहीं आया तो उससे पहले। तो ऋषिकेश में स्वर्गलोक होटल था, पता नहीं ऐसा कुछ, वहाँ रुके थे। तो सुबह सुबह क्या हुआ, वहाँ अंग्रेज भी रुके थे, तो अंग्रेज लोग, पहले एक अंग्रेज आया रिसेप्शन में, फिर दूसरा आया तो उसने उसको चूमा, उससे मिले, फिर दो और आए तो उन दोनों ने उसको, मतलब एक घंटा आधा घंटा तो मेल मिलाप में चला गया। तो बाहर जो है ना, ये शेक हैंड करना, हक करना ना, डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, छोटे बच्चे के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर सख्त हिदायत देता कि बच्चों को ज़्यादा चूमा चाटी मत करो, क्योंकि मुँह से निकलते हुए बैक्टीरिया बच्चे को इन्फेक्शन कर देते हैं। तो शेक हैंड करना, हाथ की, कान की गंदगी, नाक की गंदगी, गंदा हाथ दे दिया, हेलो सर हाउ आर यू, आई एम फाइन, हु आर यू, बोले आई एम वेरी फाइन, बोले थैंक यू सर, बोले सेम टू यू, बोले साहब सेम टू यू का मतलब, बोले मैं खड्डे में, तू भी जा खड्डे में। ऐसी संस्कृति नहीं है, दोनों हाथ जोड़ के राम राम, बोलो राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम। खाना खाते समय, सोते समय, उठते समय, जागते समय, स्कूल जाते समय, स्कूल से आते समय, साइकिल चलाते समय, पढ़ते समय, टीवी चालू करते समय, ओम बोल रहे हैं, हरिओम नहीं, ना ओम। सदगुरुदेव भगवान की। तो अति हास्य विनोद, हमेशा ठीक है, हंसना अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए। और कभी कभी मैंने कल बताया ना कि अकेले में हंसो बैठ के, तब बड़ी बात है, किसी पे हंसना ना। अति चंचलता, अति हास्य, हंसते रहना बात बात पे, ही करते रहना ना।
अति प्रवृत्ति, खाने की, सोने की, अति हर चीज की वर्जित, कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है किसी भी चीज की नहीं होना चाहिए, अति बोलना, अति सोना, अति खाना, अति घूमना, ये घूमने का शौक है, घूमते ही रहते हैं, घुमक्कड़ बन जाते हैं। तो जो अति से बच जाता है उसके जीवन में गति आ जाती है। किसकी गति? विद्यार्थी चाहे तो दीपक की तरह ऊंचा उठ सकता है या पानी की तरह नीचे भी बह सकता है, उसके हाथ में। आप चाहो तो सुबह प्रयोग करवाए थे ना, प्राणायाम करवाया था कि नहीं सुबह, अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए मेडिटेशन ध्यान करें, सुबह जल्दी उठें सूर्योदय से पहले। कहा है स्नान जो है वो एक स्नान होता है आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो, एक तो ब्रह्म स्नान होता है, उठे तो आत्मा परमात्मा का चिंतन किया, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अविनाशी अंश हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नचा सोत्र जिभे नचा ग्राण नेत्रे नमे पंच वायु नमे पंच कोशा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ऐसी भावना करके बैठना थोड़ी देर शांत, फिर स्नान करना। चांद और तारे दिखे इस समय स्नान करना ऋषि स्नान होता है। फिर होता है सूर्योदय से पहले मानव स्नान, और सूर्य उदय हो गया, चाय लाओ, बिस्किट लाओ, पेपर लाओ, पेपर पढ़ेंगे, चाय की चुस्की लेंगे, आजकल तो बीयर टी चलती है वो पियेंगे। ट्रेन में मैंने देखा, कई बार ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तो हमारा तो नियम है चलो ट्रेन में जाए कहीं भी जाए जब तक सुबह स्नान नहीं करेंगे, तो अब स्नान कई बार जो है ट्रेन में ही जैसे तैसे करना पड़ता है। तो कई लोगों को देखा, बस निकले ब्रश किया नहीं किया, उस सोते उठते ही भैया चाय देना, वो चाय पियेंगे, बिस्किट देना, ये खाएंगे वो खाएंगे, अट्रम सट्रम। तो ये राक्षस स्नान है। तो आपको दानव स्नान करना चाहिए कि मानव स्नान? तो आप सब संकल्प करके जाना कि हम सब मानव स्नान करेंगे कम से कम। स्वामी राम सुखदास महाराज जी कहते थे कि अगर जो सूर्योदय के बाद भी सोता रहे उसे पुत्र मृत्यु का शोक होता है, ऐसा पश्चाताप करना चाहिए। सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, सूर्योदय से पहले कोशिश करना चाहिए स्नान कर लेना चाहिए, सूर्योदय से पहले हमारा पेट साफ हो जाए, नहीं तो कई बीमारियां शरीर को पकड़ेगी। घर में रसोई घर में मैदा नहीं होना चाहिए और मैदे से बनी हुई चीज़ नहीं खाना चाहिए। रसोई घर में चीनी नहीं होना चाहिए, चीनी जो है वो जहर है, सफ़ेद चीनी। रसोई में नमक नहीं होना चाहिए, सफ़ेद नमक, तो फिर चीनी की जगह खांड बूरा या गुड़, सफ़ेद चीनी की जगह जो है खांड बूरा गुड़ रखें और सफ़ेद नमक की जगह सेंधव नमक हो, लाहौरी नमक उपवास में जो चलता है सेंधव नमक का उपयोग करें। रिफाइंड जब से आया तब से बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसलिए रिफाइंड की जगह जो रिफाइनरी तेल आता है वो नुकसान करता है, उसकी जगह कच्ची धानी का सरसों का तेल हो, ठीक है, गाय का देसी घी हो, अथवा घी नहीं तो सरसों का तेल का उपयोग करना चाहिए। तो अति से बचना चाहिए। नीचे की तरफ बह सकते हैं, और जो नीचे की तरफ बहता है वो जैसे नाली में पानी का क्या हाल होता, कीचड़ हो जाता है, तालाब में गंदगी आ जाती है, लेकिन जो ऊंचा उठता है दीपक की तरह, जैसे नदी सागर से मिल जाती और सागर से उठ करके स्वर्ग तक की यात्रा कर लेती, ऐसे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाए हम। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण का संग किया और इतने महान हो गए, हम संग जीवन में करें तो अपने से श्रेष्ठ का करें। जैसा संग वैसा रंग, जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा होए। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस का संग किया, विश्वविख्यात विवेकानंद हो गए। आइंस्टीन के टीचर ने कहा कि तुम सात जन्मों में भी गणित नहीं समझ सकते, लेकिन आइंस्टीन लग गया करत करत अभ्यास के, जड़मत हो सुजान रस्सी आवत जाते सिल पर होत निशान। तो दुनिया जानती है आइंस्टीन कितना बड़ा महान वैज्ञानिक हो गया, गणितज्ञ हो गया। कालिदास जिन्होंने बड़े बड़े दो तीन ग्रंथ लिखे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते, वो कालिदास इतने बुद्धू थे, जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, यहाँ बैठ के यहाँ काट रहे तो नीचे गिरेंगे, इतने बुद्धू।
लेकिन बस गुरु मिल गए और गुरु ने बता दी युक्ति, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद। जो अगर किताबों से ज्ञान मिल जाता तो किताब तो लाइब्रेरी में है, उसको पढ़ के कोई महान नहीं बनता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं हर फूल में बीज उग सकता है, पर हर बीज से फूल नहीं उग सकता। साधना उपासना जप ध्यान जरूरी है। बीज मिटे बिना वृक्ष नहीं बन सकता, ऐसे अहंकार गले बिना हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अहंकार विसर्जित होता है सद्गुरु के सत्संग से। तो विद्यार्थी अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, विवेकानंद कहते थे। तो अभी से ठान लो आपको क्या बनना है, क्या करना जीवन में, ठीक है? बोलो सद्गुरु देव भगवान की।